हेलो एवरीवन, आज हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ स्कॉलियोडॉन और शार्क और डॉगफिश। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन है वो होते कहाँ है, वो किस प्रकार बॉडी में रहते हैं। तो देखिए, इसमें जो ये आगे वाला जो ये कैविटी है इसको पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। इसमें गिल्स और जो ये हार्ट यहाँ तक, यहाँ पे ये ऐसे मसल्स होते हैं यहाँ से, और ये इसके जो ये वाला पोर्शन है जहाँ से गिल्स स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 5 गिल्स होते हैं जैसा कि हम पहले देख चुके हैं। तो यहाँ जहाँ से गिल्स स्टार्ट होते हैं और जहाँ पे हार्ट एंड होता है वहाँ तक की जो कैविटी उसे पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। इसके बाद ये जो पीछे वाला ये वाली जो कैविटी है जिसमें सारे जो स्टमक और इंटेस्टाइन और जो होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं। ठीक है, बाकी में दूसरे और ऑर्गन होते हैं लेकिन इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन है वो एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं। सबसे पहले हम इसके इसके जो ऑर्गन है वो देखते हैं। तो सबसे पहले ये माउथ है। ठीक है, इसमें 2 लीवर्स होते हैं। ठीक है, लीवर्स होते हैं, लीवर में एक गॉल ब्लैडर या पित्ताशय होता है, उससे बाइल डक्ट निकलती है और जिसे हिंदी में पित्तवाहिनी कहते हैं। फिर ये जो है यहाँ पे ओइसोफेगस होता है, हम यहाँ आगे देखेंगे, पहले मैं एक नॉर्मल बता देती हूँ। सबसे पहले इसका जो स्टमक होता है वो यू शेप का होता है, जैसे कि ये ब्लू और ये ग्रीन। तो इसका जो सबसे पहले वाला जो स्टमक है वो चौड़ाई में मोटा होता है और ये नैरो होता है, ये यू शेप का होता है। इसके बाद इंटेस्टाइन में ये खुलता है। ठीक है, फिर इसमें ये जो स्टमक है इसके साथ ये चिपकी हुई स्प्लीन होती है, जो ये ऑरेंज कलर ये वाला पोर्शन है ये वाला है स्प्लीन। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला ये स्टमक है। तो जो सबसे आगे वाला जो चौड़ा जो स्टमक होता है इसे कार्डियक स्टमक कहते हैं, और जो ये पीछे वाला है इसको पाइलोरिक स्टमक कहते हैं। इसके बाद ये यहाँ पे जो स्टमक है इंटेस्टाइन में खुलता है, और ये इंटेस्टाइन है। ठीक है, और इंटेस्टाइन फिर क्लोकल होके बाहर निकलता है। तब सबसे पहले हम इसका अब पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन है वो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ये माउथ है। ठीक है, अगर हम माउथ के वहाँ से कट करें तो आधे गिल स्लिट्स तो इस साइड के तो यही पे है और ये इसके यहाँ पे आ जाए, यहाँ के यही है। ठीक है, ये स्किन कट करके इस टाइप से फैलाई हुई है। तो इसका जो आधा जो टीथ वाला पोर्शन है वो यहाँ पे आ जाता है और आधा ये है, लेकिन इन दोनों टीथ के बीच में ये टंग होती है। इसमें सबसे मेन इम्पॉर्टेंट ये है कि इसके जो डाइजेस्ट सिस्टम के जो सारे ऑर्गन है वो कैसे होते हैं, म्यूकस वाले ऑर्गन होते हैं, उनके उनमें म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो ये जो टंग है ये ओनली फॉर क्या है, एक म्यूकस का फोल्ड है, जो म्यूकस की मेम्ब्रेन है उसका ओनली फॉर एक फोल्ड है, इसे हम क्या कहते हैं, टंग कहते हैं। एक्चुअल में कोई टंग नहीं होती है, ये सिर्फ इसका फोल्ड है। ठीक है, टंग हो गई। इसके बाद ये पहले तो ये खाता क्या है तो वो देखते हैं। ये सारे टाइप के फिशेस, क्रैब्स, लॉबस्टर्स ठीक है, तो उनको खाता है ये। तो जैसे कि उन्होंने जैसे कि फिश, क्रैब और लॉबस्टर को खाया, फिर वो सबसे पहले कहाँ खुलते हैं, पहले माउथ तो हो गया, फिर माउथ के बाद बकल कैविटी, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है इसे बकल कैविटी कहते हैं। ये भी म्यूकस, इसमें भी म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है। इसके बाद ये यहाँ पे आता है फेरिंग्स में। ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या है, फेरिंग्स है। इसमें गिल स्लिट्स होते हैं। इनमें गिल्स कैसे होते हैं, जैसे कि इनमें इंटरनल जो पोर होता है वो भी होता है और एक्सटर्नल पोर भी होता है। ठीक है, जैसे कि ये जब गिल खुला हुआ होता है तो इस टाइप में होता है,
जब बंद होता है इस टाइप में बंद होता है, तो इनमें जो एक्सटर्नल जो पोर होता है वो बंद होता है, लेकिन इंटरनल जो पोर होता है वो क्या है, खुला ही तो है, ठीक है ना। तो इसमें ये जो इंटरनल पोर है वो खुले हुए होते हैं अंदर की ओर। इसके बाद ये खाना यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का ये जो इतना पोर्शन है इसको कहते हैं ओइसोफेगस। ओइसोफेगस, ठीक है। इनमें जो ये म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है उनमें लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स होते हैं। ये जो ऑरेंज कलर के हैं ये सारे क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स है। फिर जो खाना है वो यहाँ पे नीचे ये इंस्पिंक्टर होता है, मतलब जो इसमें एक पोर होता है वो किससे, ये जो ये कैसा होता है, सर्कुलर होता है ये इस टाइप में बीच में ऐसे, तो ये ऐसे फुल टाइप स्पिंक्टर्स होते हैं, मतलब ये इसके छेद को कंट्रोल करता है कि खुलना या बंद होना, वो स्पिंक्टर कहलाते हैं। जो ये स्पिंक्टर कैसा सर्कुलर है, तो ये ऐसा बना कैसे है, जो इसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन मतलब हिंदी में श्लेष्मल अस्तर, तो उसके कारण ये बना हुआ है। फिर इसके बाद ये खाना इस स्पिंक्टर से होके फिर जो यहाँ पे आता है, देखिए अब ये ब्लू और ये जो ग्रीन है यहाँ तक ये पूरा स्टमक है, ये यू शेप का है। तो सबसे पहले जो स्टमक आता है ये कैसा है, छोड़ा है विड्थ वाइज, तो इस स्टमक को कहते हैं कार्डियक स्टमक या जठर आगमी आमाशय, ठीक है। यहाँ इसमें भी जैसे कि ओइसोफेगस में ये फोल्ड्स होते हैं, इसमें भी इसकी अंदर की ओर फोल्ड्स होते हैं। अब ये फोल्ड्स करते क्या है, देखिए जैसे कि किसी भी स्किन के अंदर फोल्ड्स होंगे तो क्या होगा, जैसे कि एक्सपेंड भी हो सकता है, जब एक्सपेंड होना है तो वो फोल्ड खुल जाते हैं, और जब सिकुड़ना होता है तो वो सिकुड़ जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि इसकी जैसे कि इसका आकार बढ़ाने के लिए ये एक्सपेंड होते हैं और छोटा करने के लिए सिकुड़ जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे खुलते हैं सिकुड़ जाते हैं। तो वो किन के कारण होता है, इन लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स के कारण ये इसमें पूरी में होते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से खाना फिर यहाँ आता है, ठीक है। अब यहाँ स्टमक में क्या होता है कि ये ब्लाइंड डाइवर्टिकुलम होता है, जिसे ब्लाइंड सैक भी कहते हैं। तो ये रहा ब्लाइंड सैक, ब्लाइंड सैक या अंधनाल, हिंदी में अंधनाल। ये स्टमक है, इसके बाद जो ये स्टमक है यहाँ पे, ये वाला स्टमक जो कैसा होता है, नैरो होता है, इस स्टमक को कहेंगे पाइलोरिक स्टमक, मतलब जठर निर्गमी आमाशय। तो यहाँ पर भी एक स्पिंक्टर होता है जिसके कारण वो इसका जो छेद है वो कंट्रोल में होता है कि खुलना है कि बंद करना है, जो भी है वो कंट्रोल करता है, वो स्पिंक्टर होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जो ये पाइलोरिक स्टमक है इसमें लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स नहीं होते, ये चिकना होता है, अंदर से स्मूथ होता है, ठीक है। इसके बाद आगे क्या होता है वो हम देखते हैं। देखिए तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो पूरा है ये क्या है, इंटेस्टाइन है, ये क्या है, इंटेस्टाइन, या हिंदी में आंत है, ठीक है। तो जो ये पाइलोरिक स्टमक है जो इंटेस्टाइन में खुलता है, तो वो किस टाइप से होता है देखते हैं हम। तो ये वाला पूरा ये पोर्शन है ये क्या है, पाइलोरिक स्टमक का है, पाइलोरिक स्टमक का है, ठीक है। इसके बाद जो पाइलोरिक स्टमक है वो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है कि एक सर्कुलर मसल बैंड होता है, क्या होता है, सर्कुलर मसल बैंड, वो यहाँ पे होता है। तो इसमें जो छेद होता है, जो एपर्चर होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए
ये सर्कुलर मसल बैंड होता है, जिसके कारण क्या होता है कि खुलना है कि बंद होना है, खुलना है कि बंद होना है, वो कौन कंट्रोल करता है? सर्कुलर मसल बैंड। इसके बाद जो ये जो इसका जो पाइलोरिक स्टमक है, इसके बाद में ये यहाँ पे खुलता है, ये ऑरेंज कलर का, इसको कहते हैं बर्सा एंटियाना। एंटियाना इसको क्या कहेंगे? बर्सा एंटियाना, ठीक है। बर्सा एंटियाना के बाद जो ये स्टमक है, आगे जो ये स्टमक है वो कहाँ पे खुलता है? इंटेस्टाइन में। अब इंटेस्टाइन में होता क्या है कि हम पहले ही देख चुके हैं कि जो इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी ऑर्गन हैं वो कैसे होते हैं, उनमें म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन, ये कंपल्सरी है। इसके जो जितने भी ऑर्गन हैं उनमें ये म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन कैसी होती है देखें, ये जो पूरा जो ये बने हुए हैं, इसके अलावा बाकी जो ये पूरा है ये ऐसे जुड़े हुए होते हैं, ये बाकी जो है ये ल्यूमेन, ये इंटेस्टाइन ल्यूमेन कहलाता है। इसके बाद क्या होता है कि जो ये म्यूकस, ये भी म्यूकस, ये जैसे कि ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन कैसी होती है? नॉर्मली ऐसे सर्कुलर होती है बाकी में तो, लेकिन इसमें कैसे होती है कि ये स्टार्ट अंदर से होती है और क्लॉकवाइज ना घूम के एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। तो ये ऐसे घूमी, एक एक हो गया, एक सर्कल हो गया, इसके बाद ये सेकेंड सर्कल और ये थोड़ा हाफ सर्कल, ठीक है। तो ये टू एंड हाफ सर्कल घूम के ये जो मेम्ब्रेन बनाती है, ठीक है ना। तो ये यही पे यही दिखाया हुआ है कि ये अंदर से स्टार्ट होती है, एंटी क्लॉकवाइज टू एंड हाफ सर्कल घूमती है और एक सर्कल बनाती है। तो इनमें क्या होगा, ये जो वाइट जो स्पेस है बीच का, ये खाली होगा, मतलब यहाँ पे एक कैविटी होगी, ल्यूमेन होगा। अब जैसे कि ये कैसे होते इस टाइप में घूम गई, अब इसको जैसे कि ये तो ट्रांसवर्स सेक्शन है, मतलब एक सीधी है, उसको यहाँ से कट करेंगे ट्रांसवर्स तो कैसा दिखाई देगा। अब जब इसको लॉन्गिट्यूडिनल मतलब लंबाई में सीधा कट करेंगे तो ये किस टाइप में दिखाई देंगे, तो ये देखिए ये अंदर वाला और ये दो बाहर वाले, ये इस टाइप में दिखाई देता है जब इसको लॉन्गिट्यूडिनल कट करते। LS इसका LS है और ये इसका TS है। अब ये इसमें ये जो म्यूकस के जो फोल्ड है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो ऐसे सर्कल क्यों बनाता है, टू एंड हाफ सर्कल अंदर की ओर? क्योंकि जैसे कि इसका जो खाना आता है तो उसको उसका अब्जॉर्प्शन जो लेयर है, जो लेयर है उसको बढ़ाने के लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसका एब्जॉर्प्शन हो जाए, इसके लिए ये टू एंड हाफ सर्कल बना के घूमता है और ये लेयर बनाता है। क्या करने के लिए? एब्जॉर्प्शन करने के लिए ये टू एंड हाफ सर्कल बनाता है, ठीक है। इसके बाद ये नीचे आता है और यहाँ ये वाला है, ये क्या है? रेक्टम, जहाँ पे वेस्ट कलेक्ट होता है। इसके बाद यहाँ रेक्टम के पास में यहाँ पे एक ये ग्लैंड निकलती है, इसको सीकल ग्लैंड कहते हैं या रेक्टल ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। ये इसका जो ये क्या वर्क करती है वो अभी तक अननोन है। अब इसके बाद जो ये रेक्टम है वो क्लोकल से जो है एनस के द्वारा बाहर निकलता है। तो ये था इसका प्रोसेस। अब वापस अच्छे से देखते हैं, देखिए इनमें ये खाना खाते हैं, ये निगल लेते हैं, ये इनका जो टीथ है वो चबाते नहीं। वो इसका टीथ का हम देख चुके हैं पहले के वीडियो में कि जो इसका जो टीथ है वो अंदर की ओर ऐसे होता है, जैसे कि इसका माउथ है तो टीथ अंदर की ओर होते हैं, डायरेक्शन अंदर की ओर होती है, ठीक है ना। तो ये खाना निगल जाते हैं, चबाते नहीं हैं। इसके बाद ये फैनिंग से होके ओसोफेगस से अंदर आते हैं, कहाँ पे? कार्डियक स्टमक में। चूँकि हम जानते हैं कि यहाँ पे जो
सलाइवा ग्लैंड नहीं होती, लाल ग्रंथि नहीं होती है, तो ये जो स्टार्च है उनका डाइजेशन नहीं करती है, स्टार्च का डाइजेशन नहीं करती है, क्योंकि यहाँ से कोई सलाइवा नहीं निकल रहा है। इसके बाद जो ये ओएसोफेगस है, वहाँ के स्फिंक्टर से होते हुए कार्डियक स्टमक में आता है। कार्डियक स्टमक में हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या निकलता है, किसका सिक्रेशन होता है, HCl और पेप्सिन का, जो इसने जो फूड खाया है उसका डाइजेशन हो जाता है। इसके बाद ये पाइलोरिक स्टमक से फिर या इंटेस्टाइन में आता है। अब यहाँ देखने की बात ये है कि इसमें जो बाइल डक्ट है वो यहाँ इंटेस्टाइन में यहाँ आगे की ओर खुलती है, ये बाइल डक्ट यहाँ पे आ गई, यहाँ से इसमें खुलती है, और जो पेनक्रियाटिक डक्ट है वो इसके अपोजिट साइड, मतलब ये आगे से जुड़ रही है, तो जो पेनक्रियाटिक डक्ट है वो इसके अपोजिट साइड से, मतलब पीछे की ओर से यही इंटेस्टाइन में खुलती है। तो जो पेनक्रियाज है वहाँ, जो पेनक्रियाज है वो किसका सिक्रेशन करते हैं, ट्रिप्सिनोजन, फिर लाइपेज, फिर एमिलोनोजन, ये थ्री टाइप्स के एंजाइम का सिक्रेशन करती है। जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन का जो डाइजेशन करती है, लाइपेज फैट का, और एमिलोनोजन मतलब स्टार्च का डाइजेशन करती है। मतलब इसमें तो जो डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन जो बचा हुआ है उसका डाइजेशन ये बाइल डक्ट और जो पेनक्रियाटिक डक्ट है उसके जो जूस है वो इसका डाइजेशन कर लेते हैं, मतलब आसानी से पाचन कर लेते हैं पूरी तरह। फिर जो बचा हुआ है उसको एब्जॉर्ब तो करना ही पड़ता है, अवशोषण करना पड़ता है, तो वो इसमें जो 2.5 सर्कल बनाती है इसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन, उसके द्वारा इसका जो तल है, तल मतलब इसका लेयर बढ़ जाता है, मतलब ज़्यादा देर तक वो खाना इसी मेम्ब्रेन में घूमता रहेगा, जिससे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। इसके बाद ये जो एब्जॉर्ब हो गया और जो वेस्ट मटेरियल है वो रेक्टम में कलेक्ट होता है और इसके बाद क्लोकल एपर्चर से बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये था इसका डाइजेस्टिव सिस्टम।